वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मायापुर में श्रील प्रभुपाद 27 फरवरी मायापुर में श्रील प्रभुपाद 1962 में श्रील प्रभुपाद एक कन्वर्सेशन में कह रहे हैं क्या बोलो श्रील प्रभुपाद एक कन्वर्सेशन में कह रहे हैं कई बार राधा रानी बाहर होती कई बार राधा रानी बाहर होती हैं तो कृष्ण उन्हें धक्का दे देते हैं और इस धक्का मुक्की में वे दोनों गिर जाते हैं। वे शिकायत करती हैं, मुझे इस तरह परेशान ना करो। इस स्थिति का लाभ उठाकर श्री कृष्ण राधा रानी का चुंबन कर लेते हैं। राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं किंतु बाहर से वे नाराज होती हैं। तो श्री कृष्ण क्या है एक्चुअली इसमें बोलेगा इंग्लिश में हाँ तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं बट ऊपर से क्या लिख रहे हैं किंतु बाहर से वे नाराज होती हैं। हाँ तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं बट ऊपर से कृष्णा वॉज द ग्रेटेस्ट रास्कल श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अनलेस रास्कलडम इज इन कृष्णा रास्कलडम का क्या लिख रहे हैं अनलेस रास्कलडम इज इन कृष्णा हाउ कुड रास्कलडम बी एग्जिस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। तो रास्कलडम मतलब हाँ गाली नहीं हाँ मतलब हिंदी में मतलब श्री कृष्ण को श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं बदमाश मतलब और जब तक इस संसार में अनलेस रास्कलडम इज इन कृष्णा जब तक ये बदमाशी ये भी एक मतलब बदमाशी भी कहाँ से आ रही है तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं बदमाशी भी कृष्ण से ही आ रही है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आर फॉर्मूला ऑफ गॉड हमारा फॉर्मूला क्या है कि ही इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग कि इस सृष्टि में कुछ भी है तो वो कहाँ से आ रहा है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे ऐसा। तो इसमें श्रील प्रभुपाद कंप्लीट कर रहे हैं बट हिज रास्कलडम इज सो नाइस दैट एवरी वन वर्शिप्स हिज रास्कलडम कि वो हालांकि बदमाश है पर उनकी बदमाशी भी पूजनीय है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी इस संसार में कुछ भी है तो उसका कहीं ना कहीं वो ये प्रतिबिंब है ना यहाँ पर झलक नजर आ रही है पर वो झलक ओरिजिनली कहाँ से आ रही है मतलब ओरिजिनल चीज कहाँ पर है गोलोक धाम में है पर वो क्या है वहां पर पूजने क्यों है क्योंकि वो भगवान है इसलिए पूजनी है हाँ तो दिव्य का मतलब क्या है हाँ तो हाँ मतलब भगवान का एक ही गुण है कि वो कल्याण उनका आधार है कल्याण हम सोचते हैं कि देखो राधा रानी या राधा कृष्ण एक साथ हैं तो हमें लग सकता है कि जो वो एक्चुअली इसका मतलब क्या है जैसे हम कहते हैं ना कि राधा कृष्ण तो इमीडिएटली राधा कृष्ण के बारे में लोग स्मरण करते हैं कि रासलीला तो शुरू में क्या होता है कि राधा कृष्ण और रासलीला फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है राधा कृष्ण
कृष्ण, रासलीला और मैं, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नहीं, उससे पहले आएगा, उससे पहले होगा रासलीला और मैं और उसके बाद मैं रह जाएगा। बस ये या अल्टीमेटली हम भगवान को पिक्चर से हटाकर हम खुद वहाँ बैठ जाएंगे तो फिर मतलब भगवान अगर कोई भी क्रिया करते हैं इस संसार में, सबसे पहली बात यह है कि इस संसार में कुछ भी है तो वो हमें समझना चाहिए कि वो विकृत रूप है। भगवद गीता चैप्टर 15 यही कह रहा है ना कि हमें लग रहा है कि वहाँ पर सिंपल एक युवक और युवती आपस में प्रेम लीलाएँ कर रहे हैं, पर वो रासलीला रासलीला नहीं है, वो हम अपनी दृष्टि से रासलीला बना रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शिल प्रभुपाद एक जगह मैंने पढ़ा था, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि देर इज़ नो सेक्स डिज़ायर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब जैसे हम सोचते हैं। प्रभुपाद ने ये सेंटेंस ही दिया है कि वहाँ पर काम वासना उस तरीके से है ही नहीं जो इस संसार में, तो वो हमारी समझने की दृष्टि अलग है। पर सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये शास्त्रों में क्यों लिखा है? ठीक है, नहीं है, पर इतना विस्तृत रूप से लिखने की क्या जरूरत थी? मैंने डिटेल में क्यों दिया हुआ ये सब, तो कोई भी पढ़ेगा तो क्या करेगा भ्रमित तो हो ही जाएगा वो। और तो लोग बोलते ही हैं कि तुम्हारे भगवान तो क्या है, नटखट नहीं क्या, बदमाश हैं, बदमाश यहाँ लिखी है, रास्कल। श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि कृष्ण इज द ग्रेटेस्ट रास्कल, तो लोग भी यही कहते हैं कि देखो तुम तो किनको पूजा करते हो कि तुम्हारे भगवान ने तो इतनी शादियाँ की और गोपियों के साथ रासलीला करें, जबकि गोपियाँ मैरिड थीं और रात के अंधेरे में भगवान बांसुरी बजा कर बुला रहे हैं, फिर भी मतलब हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो शास्त्री हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर जो चल रहा है वो यहाँ का रिफ्लेक्शन है, बल्कि यहाँ पर जो चल रहा है वो वहाँ का रिफ्लेक्शन। ओरिजिनल चीज़ में मैं नहीं है, जहाँ पर हम एक्चुअली मैं को ले आते हैं, और एक्चुअली हम रासलीला को इम्पोर्टेंस देते हैं, हम कृष्ण को इम्पोर्टेंस नहीं देते, है ना। और इसीलिए अगर तो शास्त्रों में ये लिखा ही क्यों है, भागवतम में भी आ रहा है और अन्य शास्त्रों में भी आचार्यों ने भी डिस्कस किया है, तो ये सब चीज़ें और बल्कि विस्तृत रूप से डिटेल्ड में डिस्कस किया है कि वहाँ पर क्या इनके आपस में पास टाइम्स क्या हैं और कैसे वो इन्जॉय कर रहे हैं। तो एक रीज़न तो यही है जो शिला प्रोपार लिख रहे हैं, एक रीज़न तो यही है कि वहाँ पर वो चीज़ प्योर है, और क्या रीज़न हो सकता है, मतलब डिटेल्ड में डिस्कशन का क्या रीज़न हो सकता है, क्यों दे रहे हैं? हमने एक बार डिस्कस किया था, क्या बताइए क्यों बता रहे हैं, मतलब हमें उकसाने के लिए ये कैसे है? वो तो कैसे ना पढ़े, मतलब वो तो फिर लिख क्यों रहे, वो सिंपल बता सकते थे आप इस चक्कर मत पढ़ो वो डिटेल में बता क्यों रहे हैं? हाँ, पुरुष तो वही है, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि प्रकृति पुरुष और चेतना, कि पुरुष एक है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, और इससे क्या समझ में आता है, पुरुष वो हैं, हम प्रकृति हैं और भगवान ये सब कर रहे हैं और हमें नहीं करने दे रहे, तो अब क्या समय में आता है? हम भगवान ही रहे, हम तो प्रकृति हैं। नहीं तो इतना डिटेल में क्यों लिखा हुआ है? हर चीज के भोक्ता तो भगवान ही है। तो वो तो लिख सकते थे कि देखो काम वासना के भोक्ता भी भगवान है, बस हो गया वो डिटेल में क्यों चीजें हैं? मतलब काफी रीजन हो सकते हैं, बट एक रीजन है, मतलब जब इमीजिएटली हमें क्या होगा कि जब हमें पता चलेगा कि देखो हम भगवान एंजॉय कर रहे हैं, तो इमीजिएटली क्वेश्चन आएगा कि मतलब भगवान खुद ही तो कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जब भगवान कर रहे हैं और मैं भी कर सकता हूँ, तो एक्चुअली ये क्या है? ये द्वेष है। जब शास्त्री कह रहे हैं कि वहाँ पर इस तरीके से काम वासना नहीं है और हम एक्चुअली इस चीज़ को अपने स्तर पर ला कर एंजॉय करना शुरू कर देंगे, तो इससे क्या होगा? एक तो ये क्लियर हो गया कि हमारे अंदर द्वेष है, अगर हम वास्तव में देखना चाहें तो, हम वास्तव में देखना है, क्योंकि हम ये चीज़ें
हम ये चीजें एक्चुअली सहन नहीं कर पाएंगे, नहीं हम ये चीज डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, लूज मोशंस लग जाएंगे और हम एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। पर ये चीज़ें बताने के लिए हैं, क्योंकि हमें ही एक्चुअली भगवान हमें ही दिखा रहे हैं कि देखो तुम अल्टीमेटली मेरे को पिक्चर से हटा दोगे, क्योंकि वैसे बोलने में तो समय में नहीं आता। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि अभी हमारे लिए राधा कृष्ण नहीं है, अभी हमारे लिए जिनकी हम पूजा उपासना कर रहे हैं तो वो कौन है? भगवान तो है ही। हाँ क्यों है? हाँ प्रेमी प्रेमिका। तो हमारे लिए राधा कृष्ण नहीं है ये। हाँ एग्जैक्टली हमारे लिए श्रील प्रभुपाद बार बार लिख रहे हैं, अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद उपदेश अमृत में भी लिख रहे हैं कि राधा हमारे लिए माँ है, मदर राधा है। तो हम राधा कृष्ण को राधा कृष्ण नहीं मानते, हम राधा कृष्ण को लक्ष्मी नारायण की तरह पूजा करते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण अभी हम राधा कृष्ण की लीलाएं मतलब उनके उनके मूड में जाने के योग्य नहीं है। एक्चुअली हम योग्य ही नहीं है, क्योंकि हम इमिजिएटली हम कृष्ण बन जाएंगे। और हम और इससे एक और चीज़ क्लियर होती है कि भगवान ये दिखाना चाहते हैं, देखो तुम यही चाहते थे। क्योंकि जब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? हाँ द्वेष आएगा। और हम एक्चुअली हाँ तो वही है कि भगवान एक्चुअली हमें वही कहते हैं ना कि इफ़ यू वॉन्ट टू नो ए पर्सन, काफ़ी बार स्टेटमेंट हम कोट करते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू नो ए पर्सन गिव हिम पावर। तो भगवान एक्चुअली हमें दिखा रहे हैं कि देखो अगर मैंने तुम्हें थोड़ी सी भी पावर दी ना तो तुम यही करोगे, अल्टीमेटली तुम मतलब इस संसार में ही रहना चाहते हो। भगवान ये दिखा रहे हैं कि तुम ही मेरे को नहीं चाहते, क्योंकि तुम सहन ही नहीं कर पा रहे। पूरे शास्त्र ये कह रहे हैं कि मैं इंजॉयर हूँ, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं भगवान हूँ। तो यानी कि इस संसार में सारी चीज़ें मेरे लिए बनी हैं, पर तुम अपने आप को बीच में ले आओगे और इसलिए तुम अभी मेरे पास आने के योग्य नहीं हो। तो एक्चुअली ये क्या है, ये चेक पॉइंट है, ये हमारे लिए चेक पॉइंट है कि हम भगवान के ज़्यादा पास नहीं आ सकते। इसलिए प्रेम है और मर्यादा है, दोनों चीज़ें प्रेम मर्यादा। चैतन्य चरितामृत में आ रहा है कि प्रेम और मर्यादा, प्रेम मतलब कि भगवान हमें ऊपर उठाते हैं, प्रेम मतलब भगवान अपनी लीलाओं से हमें आकर्षित तो करते ही हैं, मर्यादा है कि पीछे चले जाओ। भगवान का एक काम ये भी है कि हमें दूर भी करते हैं, क्योंकि हम नहीं तो भगवान के भी ऑल्टर में ही चढ़ के बैठ जाएंगे। तो आजकल गुरु यही तो हैं, मतलब श्रील प्रभुपाद उस समय भी और मतलब चैतन्य महाप्रभु के समय भी यही सब चल रहा था कि गुरु एक्चुअली तो गुरु खुद कृष्ण बन के, हाँ गुरु खुद कृष्ण बन के एक्चुअली रासलीला करने लगते हैं। और ये तो काफ़ी मतलब काफ़ी जगह चल ही रहा होता है, श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि गुरु इस तरह एक्सप्लॉइट करता है, वो खुद एक्चुअली रासलीला के लिए रासलीला कर मतलब वो खुद इमिटेट करने लग जाते हैं, खुद नकल करने लग जाते हैं। हाँ वो तो दो तीन हैं, बाकी तो हम सब यही चाहते हैं। इसीलिए प्रेम मर्यादा है, मर्यादा यही है कि शुरू में हम भगवान हमें माइक देते हैं कि गाओ गाओ गाओ, फिर धीरे भगवान कहते हैं नहीं माइक से दूर हो जाओ भाई बहुत ज़्यादा हो गया। तो भगवान का काम दोनों है कि हमें उठाते भी हैं और हमें मर्यादा से पीछे भी रखते हैं एक्चुअली, नहीं तो हम खुद कृष्ण बन के वही है कि हम राधा कृष्ण को हटा के हम केवल उनकी रासलीला में इंटरेस्टेड होंगे। और इसीलिए ये चेक पॉइंट है, ये हमारे लिए ये हमारा ये हमें वास्तव में हमारे दर्शन कराने के लिए कि हम वास्तव में भगवान से द्वेष ही करते हैं और हम भगवान और हम इसलिए ये सहन नहीं कर सकते कि भगवान एंजॉय करें और हम एंजॉय ना करें, है ना। और इसलिए एक जस्ट अभी ध्यान आ रहा था कि निकल गया पॉइंट। जस्ट स्किप कर गया, बहुत अच्छा पॉइंट था एक। तो मतलब भगवान ही हमें तो इससे इससे मतलब और क्या क्लियर होता है हमें
कि भगवान हमें उठाते हैं और हमें भगवान मतलब प्रेम मर्यादा की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली पॉइंट सही है कि भगवान एक्चुअली हमें प्यूरिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवान के धाम तभी जा सकते हैं क्योंकि भगवान के धाम में एंजॉयर कौन होगा, वहां तो राधा कृष्ण होंगे, वहां तो साक्षात होंगे। और इसलिए गुरु एक्सपर्ट, जब तक एक्सपर्ट नहीं होता वो इन भगवान के पास टाइम्स में वो भी एंटर नहीं कर सकता, और इसलिए गुरुओं का भी फॉल डाउन हो जाता है, क्योंकि गुरु अपने आप को एक्चुअली बहुत अपने आप को योग्य मान लेगा ये पास टाइम्स पढ़ने के। तो ये पास टाइम्स लिखे ही इसलिए गए हैं कि ये हाईएस्ट प्योरिटी है ये, क्योंकि इस संसार में सबसे आकर्षित जो चीज़ हमें करती है वो चीज़ भी हमें आकर्षित ना करे। अगर हाँ, अगर हम इस लेवल तक प्योर पहुंच जाएंगे तो वो मुक्त जीव है। हाँ, तो ये पॉइंट था कि इस अगर हम मुक्त जीव हैं तो एक तो है कि हम ये लीलाएं पढ़ के हम समझ सकते हैं कि हम मुक्त, कि हमारे अंदर विकार आ रहे हैं नहीं आ रहे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको भगवत गीता पढ़कर भी वही रोमांच होगा। अगर भगवान से वास्तव में हम अगर वास्तव में मुक्त जीव हैं तो जो रोमांच भगवान के रासलीला पढ़ के हो रहा है वही रोमांच आपको गीता पढ़ के हो, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान तो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे है। तो भगवान का एक शब्द पढ़कर भी, भगवान का एक इंस्ट्रक्शन सुनकर भी हमारे जीवन में रोमांच आ जाएगा, उसमें रासलीला में एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो भगवान हमें हमारा चेहरा दिखा रहे हैं, और इसीलिए भगवान कह रहे हैं दूरी रहो इसलिए लक्ष्मी नारायण है और इसलिए राधा कृष्ण हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए हम उनको गाली नहीं दे सकते जैसे ब्रजवासी कई लोग प्रैक्टिस करते हैं कि गाली देने का प्रैक्टिस करते हैं, जो भी कई लोग बोलते हैं कि कई गोपियां बन जाते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब फालतू की बातें हैं। वो हो सकता है मुक्त जीव कर सके, पर हमें पता है कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या है कि हम इमीजिएटली हम करप्ट हो जाएंगे, हम इमीजिएटली कंटामिनेट हो जाएंगे अगर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसलिए हमारे लिए चेक पॉइंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम भगवान की पोजिशन ना लें, क्योंकि मंदिर आना एक बात है पर मंदिर में आकर इंजॉय करना और वो भी भगवान के नाम पे इंजॉय करना, वो क्या है, वो तो अपराध ही है। अपराध क्या मतलब, वो तो हम सीधा करोड़ों जन्म तक हम कहाँ पर चले जाएंगे, नरक में ही चले जाएंगे। और ये हम भगवान को पता है कि हमारे अंदर है, हमें नहीं पता। तो इसलिए ये पास्ट टाइम्स थोड़े से डिस्क्राइब किए गए हैं। आचार्यों को तो ऐसा उनको तो महसूस हुआ, पर वो खुद एंजॉय नहीं कर रहे, वो खुद किसी मतलब इस वो खुद अपने जीवन से दिखा रहे हैं आचार्य कि वो खुद एंजॉय नहीं कर रहे। चैतन्य महाप्रभु भी हमेशा गंभीरा में रो रहे थे। तो भगवान की पास टाइम्स को इमिटेट नहीं करना होता, भगवान के पास टाइम्स को नकल नहीं करना होता, पर भगवान के पास टाइम्स ये दिखाने के लिए हैं कि प्योरिटी इस लेवल तक है कि ऐसी चीज़ों में भी कोई व्यक्ति जब डिस्टर्ब ना हो तो वो वास्तव में कह सकता है कि वो शुद्ध भक्त है, और बल्कि भगवान की गीता पढ़ने में भी उसमें वही उसको वही रोमांच आएगा जो रोमांच हमें इस संसार में दूसरे के घर में झांकने में आता है, नहीं दूसरे के बारे में करने में, दूसरे के बारे में बात करने में रोमांच नहीं होता, या फिर मूवी देखने में रोमांच नहीं आता। तो वो चीज़ें हम बहुत इन्जॉय करते हैं, पर भगवान के पास टाइम्स हम इन्जॉय, भगवान के गीता को हम उस रोमांच से नहीं सुनते, अरे अरे उसने क्या कहा उसने क्या कहा तो ये चीज़ें हमें वास्तव में दिखाने के लिए कि हमें हमारा दर्शन कराने के लिए कि देखो दूरी रहो, प्रेम मर्यादा भगवान उठाते भी हैं तो भगवान ये भी दिखाते हैं कि तुम अभी योग्य नहीं हो, इसलिए बच के चलो, माया बहुत स्ट्रांग है। तो बस ये सिंपल मैसेज है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।